वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी इंग्लिश की टीचर रुकैया रसूल हूँ। तो कल हमने एडजेक्टिव्स पढ़े थे और उसके हमने तीन पार्ट्स पढ़े थे। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स के हमने कल थ्री काइंड्स पढ़े थे, तो आज हम बाकी के थ्री पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा फोर्थ वन है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल जिन एडजेक्टिव्स के तौर पर होता है, यानी कि जिन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पर हो उन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, यानी कि जो किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ हमें इशारा करें, डिमॉन्स्ट्रेट करें किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ। इसका एग्जाम्पल है दिस पेन इज माइन। जो ये दिस है ये यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कैसे? क्योंकि एक स्पेसिफिक पेन की तरफ, ये एक पेन की तरफ हमें पॉइंट आउट करता है कि ये वाला पेन, ये हमें दिखाता है कि ये पेन मेरा है। तो ये दिस पेन जो है, दिस जो है ये इस पेन का डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। दूसरा एग्जाम्पल इसका है दैट हाउस। हम किसी पर्टिकुलर हाउस की तरफ इशारा करके बोलते हैं दैट हाउस बिलोंग्स टू माई फ्रेंड, कि वो वाला घर जो है, वो पर्टिकुलर घर, वो मेरे फ्रेंड का है। दीज बॉयज आर वेरी हार्ड वर्किंग। ये लड़के जो हैं ये बहुत हार्ड वर्किंग लड़के हैं। तो किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बॉयज की तरफ हमें इशारा करके बताता है दीज। तो यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दिस, यहाँ पर है दैट, यहाँ पर है दीज, क्योंकि ये यहाँ पर हमें एज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स यूज हुए हैं। तो ये हमें किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ इशारा करके उस चीज को स्पेसिफिक बनाते हैं हमारे लिए। इसके बाद हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? जिन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पर होता है, ठीक है, कोई डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है उनका इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पर होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है एवरी मैन मस्ट डू हिज ड्यूटी। ये एवरी जो है इस मैन को स्पेसिफिक करता है, ये इनको, इनकी तरफ मतलब इशारा करता है हमें, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यहाँ हमें ये एज एडजेक्टिव यूज होता है। वैसे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है लेकिन यहाँ पर ये एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है। एवरी मैन मस्ट डू हिज ड्यूटी। सेकेंड है ईच स्टूडेंट, यानी कि हर एक स्टूडेंट केम टू द स्कूल। इसका थर्ड एग्जाम्पल है यू कैन टेक आइदर साइड। ये आइदर जो है ये साइड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। आई टुक द मेडिसिन एवरी डे, यहाँ पर हमारा जो है एवरी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में एवरी, यहाँ पर ईच, यहाँ पर ईदर, और यहाँ पर हमारा चौथे सेंटेंस में हमारा एवरी, ये यहाँ पर हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हुए हैं। तो फिर हमारा है इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव मीन्स जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए। इंट्रागेटिव हमारा सिक्स्थ और लास्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव है, सिक्स काइंड ऑफ एडजेक्टिव। ये है इंट्रागेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रागेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो एडजेक्टिव्स किसी नाउन के बारे में सवाल पूछते हों।